हेलो गाइस, आई एम द मिस्टर बी और एक और व्लॉगिंग। अरे मेरा हाथ क्यों हिल रहा है इतना भारी क्या ना। हेलो गाइस, आई एम द मिस्टर बी और एक और व्लॉगिंग का दिन, और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल। बाय द वे, जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे होगे तब मैं अपने टूर पे होऊंगा, उसका भी व्लॉग बहुत जल्दी आएगा। एनीवेज गाइस, तो आज का व्लॉग है क्रिसमस पे डेडिकेटेड। जहां पे मैं रहता हूँ उस कंट्री में लोग किस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग फॉर दीज पीपल एंड ये लोग काफी सही तरीके से क्रिसमस मनाते हैं। और मैंने एक और चीज करनी है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपने बालों को ग्रो कर रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा हो गया मेरे को बाल ग्रो करते हुए। अभी भी कितने अजीब लग रहा है मुझे नहीं पता, एनीवेज बहुत ड्राई लग रहा है। तो मैं 4-5 महीने से एक चीज सोचा था कि मैं इन बालों को ना कलर कराऊं। ओके, तो कलर कुछ इतना मेजर नहीं होने वाला, बस मायने थोड़ा सा रेड होने वाला है कलर, इतना भी रेड नहीं होने वाला। हल्का सा लाइक ग्लॉसीनेस और हल्का सा शाइनीनेस आना चाहिए, लाइक डार्क 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 रेड, जो मतलब आई थिंक धूप में ही शाइन करेगा होपफुली। एंड आई होप जो कलर लगे वो सही से पुल आउट हो और अच्छा लगे मेरे बालों पे। पता नहीं क्या सोने वाला, बट एनीवेज गाइस, अभी मैं करने जा रहा हूँ कलर। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ उस चीज के लिए, बट एनीवेज करते हैं और देखते हैं कैसा होता है। ये है हमारा सजा हुआ क्रिसमस ट्री, इसको मैंने सजाया था। आई थिंक मम्मी ने भी सजाया, थोड़ा काम करा था। इसका स्टार गिर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसके स्टारों को। बाप रे बाप, अभी वापस से गिर जाएगा। ये गिर क्यों रहा है मम्मी? आप ठीक है, बेस्ट हो गया काम। एनीवेज तो ये है, अब इसकी लाइट ऑन नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास प्लग नहीं है। पीछे काम नहीं है, प्लग है लेकिन हमारे पास उसका जो होता है ना जैसे दो बनाते हैं वो भी है नहीं, वो नहीं है हमारे पास क्योंकि मैंने यूज कर लिया उसको। बट कितना सही लग रहा है। अच्छा, हमने बर्फ के लिए रोई लगा रखी है कि जुगाड़ कर रखा है तगड़ा वाला। बर्फ के लिए हम जुगाड़ी करते हैं। बाला मेरे बालों के अंदर ये कलर, ये हाल होगा मेरे बालों का भी इतना लाल, इतना कितना लाइट होगा। सही है, सफाई अभियान चल रहा है। कानों कूनों में हर जगह लगा दिया, ये हमारा बार बार ठीक नहीं है। बार बार की तनख्वाह आदि काटेंगे हम, ऐसे बात नहीं होती। पवाड़ी गाइस, तो ये हूँ मैं और ये है मेरे बाल, कितने ज़्यादा वो हैं और उनकी जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे अगर पुल आउट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। हम नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस के तौर पर ये चीज़ रहेगी। अब मैं आपसे बोलता हूँ सीधा बाल धोने के बाद, क्योंकि मुझे इसके बाद सिटी भी जाना है जहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ पर जाना, तो उसके लिए भी चीज़ें सेटअप और रेडी करनी है। तो आपसे मिलता हूँ मैं सीधा बाल धोने के बाद। या उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 36-37 डिग्रीज हो रहा है। मैं लिटरली अभी मेल्ट हो रहा हूँ, लाइक मैं बर्फ़ हूँ और मैं मेल्ट हो रहा हूँ। और वाली गाइस, तो ये हूँ मैं और ये है मेरा लुक आफ्टर शावर के बाद। मैंने चश्मा बेसिकली ऐसे लगा लिया, मेरा कोई वो नहीं था, मैं हैंडसम बनना नहीं चाहता, बस ऐसे लगा लिए मैंने मस्ती मस्ती में क्योंकि अच्छा लग रहा था, तो मैंने बस बोला कि पुल आउट करो। अच्छा, मेरे बालों का कलर ये हुआ, आई डोंट नो कि इतना कुछ फर्क पड़ा है बालों में, बट इसका इफेक्ट पता कब आएगा? इसका इफेक्ट आएगा धूप में, जब बहुत तगड़ी धूप पड़ रही होगी तब मेरे बालों में रिफ्लेक्शन पड़ेगा। एनीवेज गाइस, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। मैंने अभी कुछ करा है अपने उसका, आई थिंक उसका ट्री का, अब डिसेंट लग रहा है देखने में। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं अपना शूज़ वगैरह पहना था कि ये मेरा लुक है। बाय द वे मैं आज ऐसे जा रहा हूँ बन के। टी शर्ट थोड़ी सी गुछड़ी इसलिए क्योंकि मैंने बेसिकली टी शर्ट को बस ऐसे कोने में फेंक दिया था, पड़ी हुई थी टी शर्ट और मुझे दिखी है कोने में, तो मैं इस मैंने उठा के पहन लिया। और मेरा कोई प्लान नहीं था इसको पहनने का, लेकिन तभी मैंने इसको पहन लिया। बट एनीवेज ये है मेरा लुक, अभी जूते पहनूंगा और मस्त बनूंगा। मैं जूते पहनता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो ये है घर सामने से हमारा, अभी मैंने क्रिसमस के लिए सजाया था, काफ़ी डिसेंट लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एनीवे सब चलते दीदी के घर पे और उसके बाद चलते हैं जहाँ पे हमारी लोकेशन है वहाँ पे चलता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ सीधा लोकेशन पे या दीदी के घर पे। मैंने भी थोड़ा बहुत घर सजा दिया है। अरे मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। अरे कूलर चल रहा है आपका, जूते पहन के आया मैं अंदर। अरे वाह यार, क्या घर सजा आप लोगों ने। और ये वापस आगे करता धरता हमारी
मधिका गंदा है बात है। घर तो अच्छा है ना, अच्छा वो पीछे बड़ा गंदा है। हाँ मधिका, ये तो इंडियंस की शान होती है, हम लोग का ये घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। ये लाइट बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं वाली। ये क्या डॉल्फिन, ये आप लोगों ने बनाया कि बनी बनाए लाए हो? माई गॉड, क्या है? अच्छा क्रिसमस ट्री भी है ना। हाँ ओके गाइस, मम्मी लाइट जलाना क्रिसमस ट्री की, जरा लाइट जली। परसों की जाने की हमारी पैकिंग हो रखी है यहाँ पे, हमें इन लोग की पैकिंग हो रखी है। टोपो टोपो ले रखी उन्होंने सारी, इसमें वो है ना बटन, उसके ऊपर ही बटन है, उस पर बटन ही है। चल तो गई, मैं इसमें ना ऐसे करना चाहता हूँ, ये पर्पल कलर का ट्री, नहीं ब्लू अच्छा लगेगा। ये मेरा बात, ये है ट्रेन का तगड़ा वाला, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? अपने बाल देखो क्या शीशा लग रहा, मेरे बाल पूरे वैसे हो गए जबरे जबरे से। बड़े बालों की दिक्कत ये कि कैसे बना लो, बनते नहीं है, कुछ भी कर लो। अरे खाने के लिए क्या वैसे आपके घर में, वो इतने सारे साबुन क्या करोगे आप? मैं मिलता आपसे खाना खाने के बाद, पहले मैं खाना खा लेता हूँ कुछ, वो खाना खाने के बाद मिलता आपसे। Alrighty friends, हम लोग चलने के तैयार है क्या? फोन मेरा। फोन तुम्हारे तुम्हारे पास ही होगा ना, चलने के लिए तैयार हो, मैं मिलता हूँ आपसे सीधा सिटी में। मित्रों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हम लोग को पहुंचना था। ये मेरी टीम चल रही है मेरे साथ। अरे रिक्शे वाले हैं यहाँ पे, आए तो कर दो। क्या सही लग रहा है ना इस बार, बहुत इस बार भी मतलब वैसे सजाए से नॉर्मल सजाते हैं कि चेंज करा है इस बार? मुझे लग रहा है सेम ही करा ना, सेम ही है ना, आई थिंक सो लगे थे। लोग देख रहे हैं कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ वगैरह। हाँ काफ़ी अच्छा सजाया ना, काफ़ी काफ़ी अच्छा। कोई मेरा कैमरा ले गया ना भग जाए, मेरे को तो दिमाग खराब हो जाना है। हमारी गाइस तो है अभी, और ये है डेस्टिनेशन, और रिक्शा भी ऑस्ट्रेलिया में आ चुका है हमारे। ये गाना कौन गा रहा है, ये दगा रखा है ऐसे? अच्छा वो गाना गा रहा है। राड़ी गाइस तो ये है पूरी मेन सिटी, और आज थोड़ा बिजी है क्योंकि आज क्या है, हर फ्राइडे को यहाँ पे फेस्टिवल होता है। मैंने क्या फेस्टिवल होता है, हर फ्राइडे को यहाँ पे खाने पीने का सामान लगता है, बहुत महंगा जाता है। मैं पहले बता दूँ, हाँ सॉल्स लगते। अरे सामने है मेन चीज़ हमारी, मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ आपको दिखाता हूँ क्या है। मैं अपने हाथ वापस स्विच कर रहा हूँ। हाय 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 हाय, भाई सब मेन चीज़ तो इसके लिए मैं आया था, ये मेन चीज़ है ये क्रिसमस ट्री। एम्बुलेंस सर्विस पहले लगी हुई है, किसी के मार में हो गई लक मेरे पीछे, अगर कोई लड़की लड़की पड़ गई तो उसके लिए एम्बुलेंस हमने पहले लगा रखी है, तो कोई मर मुड़ जाए मेरे पैर के लिए उस पर तो हाथापाई हो सकते हैं लड़की के बीच में। डेस्टिनेशन रीच कर लिया मैंने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, चलते चलते मैं एक्चुअली थक गया हूँ, बट फाइनली दिस इज इट गाइस। एंड ये है क्रिसमस ऑस्ट्रेलियन स्टाइल का, एक्चुअली क्रिसमस से दो दिन पहले की शूटिंग है, मैं बना रहा हूँ वीडियो, और क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे जब आप लोग ये ब्लॉग देखो तब मैं यहाँ पर नहीं होगा, तब मैं अपने टूर पर हूँ। एनी वेज आज रिक्शे भी चल रहे हैं, ये एक्चुअली रिक्शे मैंने कभी देखे नहीं थे, अभी रिक्शे भी चल रहे हैं। हाँ और ये देखो सारे रिक्शे लगे हुए हैं, पहले कभी रिक्शे हुआ नहीं करते थे, लेकिन अभी रिक्शे हैं यहाँ पर सारे। ये खाली एक्सक्लूसिव क्रिसमस के लिए होते हैं, ये सारे रिक्शे एक्सक्लूसिव क्रिसमस के लिए होते हैं, ऐसे किसी के लिए नहीं होते। एनीवेज गाइस तो ये है, दिस इज इट, ये दुनिया का पहला सेंटा है जो क्रिकेट, अरे अंकल जी का टकला आ गया यार, ये दुनिया का पहला सेंटा है जो क्रिकेट खेल रहा है, इसको इंडिया की टीम में डालो तब इंडिया का कुछ भला होने वाला है। खड़ा तो ऐसे ऐसे अगली बॉल पर छक्का मार देगा। ए आंटी अंकल कैमरे में आ रहे हो, फेमस होना क्या आप लोगों को भी। हवाड़ी गाइस
सबको बोलो मैरी क्रिसमस, जोर से बोलो जय सॉरी मैरी क्रिसमस। किसी को पता नहीं कि क्रिसमस क्या होता है, ऐसा उन्होंने लिख कर यहाँ पे रख दिया मैरी क्रिसमस। मतलब मैं उतनी दूर से चल के यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं मैरी क्रिसमस आपको बोल सकूँ। अच्छा तो साफ सीधा प्लान ये है कि अभी रिवर में कूद के मैंने नहाना है क्योंकि मैं सुबह से नहाई नहीं, और देखो स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, यहाँ पे कितना अंधेरा है। स्कूल की परिया चमक रही है सामने। पिछली बार हमने यहाँ पे वॉल पे वो किया था, प्रोजेक्टर चल रहा है। मैं तुझे ये दिखाने वाली हूँ। ये चीज है ना कमाल की तो। हाँ। ओ नाइस, अच्छा ये प्रोजेक्टर लगा रखा है हमने। उधर देख डेकोरेशन पे उधर। और वहाँ पर भी काफी अच्छा हो रहा है। और लेकिन ये वाला वो नाइस। ये किसी महिला का कपड़ा रह गया तो उन्होंने यहाँ पर बस टांग दिया, उसको ऐसा आर्ट बना दिया थोड़ा सा पी ओ पी वगैरह के। शादी के लिए भी सजावट कर दी है गई इन लोगों ने और मेरे दुल्हन का वेट कर रहे हैं बस अभी हम। देखो कैसे झाड़ लगा दिए, वैसे ये वाला थोड़ा डिसेंट लग रहा है ना, ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है। काफ़ी टाइम का अपना थोड़ा दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा लग रहा हूँ अभी मेरे बाल भी बड़े ख़राब से हो रहे हैं, बट ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है। ये भी एक पार्ट है क्रिसमस का सिटी का, तो दैट्स इट। अंकल वो पार्किंग में जाना था। अच्छा आप नहीं बताओगे, कोई बात नहीं, ये कागज़ में नहीं लिखा, चेक माफ़ कर दो। ओके तो अभी एक ग्रेट न्यूज़ है, हम लोग अपनी पार्किंग जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी वो भूल गए हैं, ठीक है। पिछले 10 मिनट से हम जैसे ऐसे घूम रहे हैं, सिर्फ अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि इस गली में होगा, उस गली में होगा, इस गली में होगा, उस गली में होगा। और हम लोग इतने वो है ना स्टूपिड है कि हम लोगों ने फोटो भी नहीं खींची। ये एक्चुअली मेरी बहन का कहना है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे पता है, ये इनकी बात है, इनसे पूछो। ये खुद ही और तब से हमारा डायलॉग ही चल रहा है आई थिंक उससे लाइक उससे आगे बढ़ नहीं रही हमारी कहानी। आई थिंक पे कट के वो दिखा में पार्किंग। हाँ चलो फाइनली मिल गया, आई थिंक हाँ फिर से आई थिंक हो रहा है। फाइनली पहुँच गए जहाँ पे हमें पहुँचना था, अभी हमें रास्ता पार करने वाला। बाप रे बाप, हम लोग क्या लीगल काम कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। हम लोग लाइक ड्राइववे में वॉक कर रहे हैं, बजेगा तो ऊँट 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 नहीं बजेगा अभी, अच्छा नहीं बज रहा। नाइस, ओके फाइनली पहुँच गए अपनी जगह पे जहाँ पे पहुँचा था। हाँ बाप रे बाप, फाइनली पहुँचे गाड़ी में और काफ़ी मज़ा आ गया। हर बार की तरह इस बार सिटी वैसा नहीं सस्ता जैसा सस्ता है, बट एनीवेज और मैं मिलता हूँ सीधा घर पे। गैस तो मैं वापस आ गया हूँ और अभी रात के 2 बज रहे हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो इस वीडियो को आज के लिए ही ख़त्म करते हैं एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी या।